हेलो पीपल, आई एम आदित्य किदारी। आज का टॉपिक है विकास दुबे अरेस्टेड, कानपुर एनकाउंटर, पुलिसिंग इश्यूज। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे कि जो कानपुर में 8 पुलिस ऑफिशियल्स मारे गए और जो गैंगस्टर है विकास दुबे, वो अरेस्ट हुआ है। तो ऐसे कैसे हमारे 8 पुलिसमैन मारे गए और विकास दुबे को पॉलिटिशियंस का सपोर्ट है ऐसा माना जा रहा है, जिसकी वजह से उनको पहले ही पता चल गया था कि उनको पुलिस अरेस्ट करने वाली है या उनका एनकाउंटर करने वाली है। तो वो पहले से वहाँ पर रेडी बैठा था और उसके बाद उसने 8 पुलिस वालों की, उसकी गैंग ने और उसने 8 पुलिस वालों ने उन 8 लोगों की जान ले ली। तो चलिए देखते हैं क्या टॉपिक है। तो विकास दुबे का फोटो मैंने दिखाया है यहाँ पे, कैसे सारा एनकाउंटर हुआ। ऑल द स्टाफ ऑफ अ पुलिस स्टेशन इन कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वेयर 8 पुलिसमैन वर शॉट डाउन बाय विकास दुबे एंड हिज गैंग आर सस्पेक्टेड ऑफ लीकिंग इंफॉर्मेशन टू द नोटोरियस क्रिमिनल। तो जब ये 8 पुलिस वाले मारे गए तो अभी सबको शक हो रहा है कि पुलिस स्टेशन में से ही किसी ने तो भी इंफॉर्मेशन लीक की है। जैसे कि आप मूवीज में देखते हो कि जब जब भी ऐसा कोई एनकाउंटर करने जाते हो तो कोई अंदर का ही आदमी अगर इंफॉर्मेशन लीक करता है उस गैंगस्टर को, तो ऑब्वियसली उसके बाद वो रेडी रहता है। जब उसको पुलिस पकड़ने गए तो उसने आउटराइटली शूटिंग चालू कर दी, जिसमें 8 पुलिस वाले मारे गए। दिस इंसिडेंट बेयर्स द वायलेंट सिग्नेचर ऑफ अ डिसफंक्शनल सोसाइटी एंड एन अलार्मिंग एमेसिएशन ऑफ गवर्नेंस इन इंडियाज मोस्ट पॉपुलर स्टेट। तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश जो है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का अभी भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप अगर डेवलपमेंट की बात करते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ पे पीस होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। तो अगर ऐसा आउटराइटली 8 पुलिस वालों को अगर कोई उड़ा देता है, शूट कर देता है, तो ये बहुत ही खराब बात है, बहुत ही दुखी बात है कि हमारे पुलिस वालों को ऐसे बेदर्दी से मारा गया, वो भी ऐसे गैंगस्टर से जो कि जिसको माना जाता है कि जिसके पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं, या कोई पुलिस वाले ने ही उसको इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये बहुत गलत है। एक डिसफंक्शनल सोसाइटी के बारे में आप इंडिकेट कर रहे हो कि हमारे समाज में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है, कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, जिसके वजह से ऐसा ये इंसिडेंट हुआ कानपुर में। ये अभी ये साहब है, इनको अरेस्ट कर लिया गया है। अब ये अरेस्ट हुए हैं या मतलब ये खुद इन्होंने खुद को अरेस्ट करवाया है या अरेस्ट हो गए हैं, ये हमें अब तक उसके बारे में चर्चा हो रही है, मीडिया में स्पेकुलेशंस हो रहे हैं। तो ये इंसिडेंट से एक्सपोज क्या होता है? गैंगस्टर विकास दुबे इज द सिंबल ऑफ द नेक्सस बिटवीन पॉलिटिक्स, क्राइम एंड पॉलिसिंग इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कि ये जो बंदा है, ये क्राइम, पॉलिटिक्स और पुलिस सबसे मिला हुआ है एक तरीके से, जहाँ पे इतने सालों से उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो ये इंसिडेंट से वो एक्सपोज होता है। उसके बाद इट इज फेटल टू एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी द कोलैप्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ। कि भाई अगर जैसे अगर ये गैंगस्टर लोगों को पहले ही अगर हम पकड़ के इनको सजा दे देते, तो अब तक ये इतना बड़ा गैंगस्टर होता ही नहीं। लेकिन ये गैंगस्टर इतना बड़ा हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑफ द सपोर्ट बाय द पॉलिटिशियंस एंड करप्ट पुलिस ऑफिशियल्स की वजह से ये बंदा इतना बड़ा हो गया कि इसमें इतनी डेयरिंग होगी कि इसने 8 पुलिस वालों को मार दिया। क्रिमिनल गैंग शील्डेड बाय पॉलिटिक्स एंड पुलिस फोर्सेज दैट बेंड टू कास्ट, कम्युनल एंड पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट। अब देख सकते हो ये जो गैंग्स हैं, इनको सपोर्ट होता है पॉलिटिशियंस का, पुलिस वालों का, कास्ट की वजह से, कम्युनल की वजह से, या कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है। क्योंकि आपको पता ही होता है कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो ये जो गुंडों का इस्तेमाल करके लोगों को डरा धमका के या पैसे वसूली करने हो, तो ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज या सर्टन खराब पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो ऐसे गुंडे पालते हैं। अपने वास्तव मूवी देखी होगी संजय दत्त की, जिसके अंदर वो गैंगस्टर बनता है बिकॉज उसको एक पॉलिटिशियन सपोर्ट करता है और उसको लगता है कि वो सब कुछ कर सकता है। तो ये भी ऐसी एक केस है जहाँ पे विकास दुबे ये गैंगस्टर है जिसको सपोर्ट मिला है। तो अभी विकास दुबे हैज बिन अरेस्टेड ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन स्पेकुलेशन है कि इन्होंने खुद ही अपने आप को अरेस्ट करवाया है। तो इसके बारे में अभी भी स्पेकुलेशन चल रहा है मीडिया में। तो ये रीजन क्या है? प्रेजेंट क्राइसिस जो हो रही है पुलिसिंग में, पुलिस डिपार्टमेंट में जो ये क्राइसिस चल रही है, जो प्रॉब्लम चल रहा है, उसका रीजन क्या है? द पुलिस फोर्स इज द कोर्सिव आर्म ऑफ द स्टेट। हमेशा याद रखिए कि पुलिस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है किसी भी स्टेट में? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट। एंड द क्वालिटी ऑफ पुलिसिंग देयरफॉर हैज एन आउटसाइज्ड इंपैक्ट ऑन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस। तो एक तरीके का जो जैसा पुलिस डिपार्टमेंट होता है, वैसे ही वहाँ का जो वो जो स्टेट है, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, जम्मू कश्मीर हो, वहाँ का जो गवर्नेंस है या वहाँ की जो क्वालिटी है लोगों की काम करने की, वहाँ का जो डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो सब कुछ पुलिस पर डिपेंड होता है। क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे डेवलपमेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अगर आप कंपेरेटिवली देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र या सदर्न स्टेट्स,
वहाँ पे पुलिस बहुत ज़्यादा फंक्शनल है, उसके वजह से व्हेन इट कम्स टू यूपी बिहार झारखंड वहाँ पे पुलिसिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, वहाँ की क्वालिटी इतनी खास नहीं है, जिसकी वजह से आप देख भी सकते हो साइड बाय साइड कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना डेवलप नहीं है। तो ये तीन ऑफिशियल्स हैं, उन 8 ऑफिशियल्स में से ये 3 ऑफिशियल्स हैं जो मारे गए, जो कि बहुत दुखद बात है। ये कोई किसी टेररिस्ट एक्टिविटी से कम नहीं है, बट पुअर ट्रेनिंग एंड एलिनेटिंग एंड डिह्यूमनाइजिंग वर्क एनवायरनमेंट, करप्शन एंड अ लैक ऑफ रिसोर्सेज ऐड टू द क्राइसिस इन पुलिसिंग। कि ऐसा माना जाता है कि इनकी ट्रेनिंग इतनी ट्रेनिंग ट्रेनिंग में इतनी क्वालिटी नहीं होती है, और जो वर्क एनवायरनमेंट है पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत ही खराब है। कि आप देख सकते हो दिन रात बंदोबस्त पे रहते हैं, छुट्टियां नहीं होती और उनकी सैलरी बहुत कम है। स्पेसिफिकली जो 80% जो वर्कफोर्स है जो कि एक्चुअली फील्ड पे काम करती है, लाइक PSI, PI और जो नीचे के ऑफिशियल्स होते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर और हवलदार, कॉन्स्टेबल्स, रिक्रूट जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। कि डेड बॉडीज को निकालना पड़ता है वेल में से, या सब इन्वेस्टिगेशन करते हुए ज़मीन में खोद खोद के आपको डेड बॉडीज निकालनी पड़ती है, बदबू आती है, रेप केसेस ये वो, तो उनको ये सब दे आर ऑलवेज सराउंडेड। उसके बाद उनका हेल्थ भी बहुत ख़राब होता है, कि हेल्थ एंड मेंटल स्ट्रेस के वजह से भी वो बहुत उनके इम्पैक्ट होता है उनके हेल्थ पे। करप्शन तो है ही भाई, पुलिस डिपार्टमेंट ही नहीं कहीं पे भी करप्शन तो होता ही है, जहाँ इंसान है वहाँ पे नॉर्मली करप्शन होता है। एंड ऑल्सो लैक ऑफ रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतना कम होता है कि उनके डेथ के बाद तो बहुत बार ऐसा होता है कि उनको रहने के लिए जगह भी नहीं होती, उनका खुद का घर नहीं होता क्योंकि सैलरी कम होती है। तो क्राइसिस बहुत है पुलिस डिपार्टमेंट में, सुधारने की बहुत ज़रूरत है। आज के लोग बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन होने के लिए। पॉलिटिशियंस इन पावर ऑफन यूज द पुलिस द सेम वे पॉलिटिशियन आउट ऑफ पावर यूज गैंगस्टर्स। जैसे जो पावर में होता है वो पुलिस का इस्तेमाल करता है, और जो आउट ऑफ पावर होता है वो गैंगस्टर्स का इस्तेमाल करता है। ऐसा कुछ नहीं है, पावर में रहो ना रहो जो भी कुछ इलीगल काम करना होता है तो गैंगस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको पुलिस सपोर्ट करती है, जो करप्ट पुलिस करप्ट होते हैं वो करते हैं। सो नॉट सरप्राइजिंगली देर आर टाइम्स वेन द पुलिस मिरर इन कैरेक्टर द क्रिमिनल गैंग्स दे चेज डाउन। ठीक है, क्वेश्चनेबल कोर्सिव मेजर्स सच एज कलेक्टिव पनिशमेंट एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट एंड सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हैज ऑलवेज बीन मेन स्ट्रीम्ड एज रेगुलर पुलिसिंग टूल्स। तो नॉर्मली पुलिस क्या करता, जाता है लाठी चार्ज करेगा, वो आगे वाले को बोलने नहीं देगा। तो ये जो हो गया आजकल जो कोर्सिव मेथड इस्तेमाल करती है पुलिस का, वो उसी तरीके से उनका वो मेथड हो चुका है काम करने का, जो कि ब्रिटिश के ज़माने से होते आ रहा है। तो थोड़ा बहुत पुलिसिंग भी चेंज होना ज़रूरी है, ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरी है। तो अभी नीड ऑफ द आर क्या है, स्मार्ट पुलिसिंग। स्मार्ट पुलिसिंग का मतलब क्या है, स्मार्ट पुलिस फोर्स इज स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव। एक तरफ स्ट्रिक्ट भी है तो सेंसिटिव भी है, मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड, ये है स्मार्ट पुलिस। तो हर एक का आप देख सकते हो फुल फॉर्म, एस स्टैंड फॉर स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, एम स्टैंड फॉर मॉडर्न एंड मोबाइल, ए स्टैंड फॉर अलर्ट एंड अकाउंटेबल, आर स्टैंड फॉर रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, एंड टी स्टैंड फॉर टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड। ऑलराइट, तो ये पुलिस डिपार्टमेंट हैज़ टू बी दिस मॉडर्न स्मार्ट पुलिस फोर्स विच इज एबल टू टैकल ऑल द प्रॉब्लम्स। देर इज एन अर्जेंट नीड टू स्ट्रेंथन अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड अवर ग्रास रूट लेवल पॉलिसिंग इंस्टीट्यूशंस। सिर्फ पुलिस ही नहीं लेकिन हमारे जो जुडिशरी है उसको भी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टू प्रिपेयर अवर पुलिस टू डील विद द प्रेजेंट एंड इमर्जिंग चैलेंजेस एंड स्ट्रेंथन इट्स इन्वेस्टिगेटिव कैपेबिलिटीज एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। कि ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी सैलरीज, उनका वर्क एनवायरमेंट सब इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट सिटीज आने वाली है तो यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट का इस्तेमाल करना होना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट में। उनके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कंसिडरिंग द मल्टीपल कॉजेज एंड देयर कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस एसोसिएटेड विद टूडेज पुलिसिंग इशूज, देर इज अ रियलाइजेशन दैट दीज चैलेंजेस रिक्वायर ब्रॉडर, मोर कोलाबरेटिव एंड इनोवेटिव अप्रोचेस एंड वुड इन्वॉल्व अ रेंज ऑफ कोऑर्डिनेटेड एंड इंटरनेट रिस्पॉन्सेज। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर सोशल मीडिया, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पुलिस, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, मीडिया, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक साथ मिलके कोलैबोरेट करके, कोऑर्डिनेट करके, ये हमारे समाज को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके साथ पुलिस भी इम्प्रूव होंगी, हमारी पुलिस फोर्स भी इम्प्रूव होगी। तो डायरेक्शंस क्या दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में, कि किस तरीके से आप पुलिस डिपार्टमेंट को इम्प्रूव कर सकते हो। सो कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टेट सिक्योरिटी कमीशन इन एवरी स्टेट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर एक स्टेट में एक सिक्योरिटी कमीशन को अपॉइंट करिए, दैट विल ले डाउन पॉलिसी फॉर पुलिस फंक्शनिंग, इवेल्युएट पुलिस परफॉर्मेंस
एंड इंश्योर दैट स्टेट गवर्नमेंट्स डू नॉट एक्सरसाइज अनवॉरंटेड इन्फ्लुएंस ऑन द पुलिस. सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है पुलिस पे, वो सिक्योरिटी कमीशन देखे कि वो ना हो पुलिस को, क्योंकि बहुत पुलिस ऑफिशियल ऐसे होते हैं कि जिनको पॉलिटिकल प्रेशर में काम करना पड़ता है, कई बार उनके मॉरल्स और वैल्यू सिस्टम के खिलाफ जाके काम करना पड़ता है. ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड इन एवरी स्टेट. हर एक स्टेट में एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड को आप कॉन्स्टिट्यूट करिए, विच विल डिसाइड पोस्टिंग, ट्रांसफर्स, प्रमोशंस फॉर ऑफिसर्स बिलो द रैंक ऑफ DSP, दैट इज DYSP, एंड मेक रिकमेंडेशंस टू द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर ऑफिसर्स ऑफ हायर रैंक्स. तो पॉलिटिशियंस को हटा दीजिए, क्योंकि ये जो इनके ट्रांसफर्स होते हैं, पोस्टिंग्स होते हैं, प्रमोशंस होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि फेवरेटिज्म होता है, करप्शन होता है, कि पॉलिटिशियन अपने पुलिस ऑफिशियल को पहले अपनी जगह पे पोस्टिंग करवा लेगा, मुंबई, पुणे, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, वहाँ पे बुलवा लेगा, उसकी ट्रांसफर करवा लेगा, उसकी प्रमोशन करवा देगा, ताकि उसकी जो पॉलिटिशियन की जो दादागिरी है या जो पॉलिटिशियन का जो मोटिव है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, वो बना रहे. बहुत बार ईमानदार पुलिस ऑफिशियल्स को ड्यू नहीं मिलता, उनकी प्रमोशंस नहीं मिलती, उनकी खराब जगहों पे ट्रांसफर की जाती है जहाँ पे कोई नहीं जाता, जहाँ पे सख्त ज़रूरत है, ऐसे काबिल ऑफिसर्स को नहीं बुलाया जाता. तो ये अगेन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम होने के लिए पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड और सिक्योरिटी कमीशन दोनों को एस्टेब्लिश करिए. कॉन्स्टिट्यूट अ पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स टू इंक्वायर इनटू द एलिगेशंस ऑफ सीरियस मिसकंडक्ट एंड अब्यूज ऑफ पुलिस पावर बाय पुलिस पर्सनल. देखिए, अगर पुलिस कुछ गलत करता है, अगर पुलिस ही इन लोगों को प्रॉब्लम दे रहा है, पुलिस ही गुंडा हो गया, पुलिस ही गैंगस्टर हो गया, तो देर हैज टू बी अ डिफरेंट अथॉरिटी, कि पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, जहाँ पे आम आदमी जाके पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट कर सके. वरना नॉर्मल क्या होता है, पुलिस के खिलाफ पुलिस में ही जाते हो कंप्लेंट करने के लिए, तो वो तो दोस्त दोस्त होते हैं या उनका कोई कॉन्टैक्ट होता है या कोई बायस होता है कि पुलिस वाला है, अपना आदमी है, तो इसको तो प्रोटेक्ट करना चाहिए. सो इसके वजह से नॉर्मल आदमी ऐसे वक्त अटक जाता है कि भैया अब मैं क्या करूँ, इसके लिए कोई पुलिस वालों के साथ पंगा लेता नहीं है. तो अभी तक ये ऐसी कोई कंप्लेंट अथॉरिटी किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में नहीं बनाई गई है. तो ये तो बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह के केस में. तो ये तो होना ही चाहिए पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, जहाँ पे लोग पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट कर सके. तो भी पुलिस में भी थोड़ा सा डिटरेंस आएगा कि हम कैसे भी आम जनता के साथ नहीं बिहेव कर सकते. प्रोवाइड अ मिनिमम टेन्योर ऑफ एटलीस्ट 2 years फॉर द DGP एंड अदर की पुलिस ऑफिसर्स विद इन द स्टेट फोर्सेज. 2 साल तक उस ऑफिशियल का, DGP मतलब डायरेक्टर जनरल पुलिस, मिनिमम 2 साल का उनका टेन्योर होना चाहिए. 2 साल के पहले उनका प्रमोशन नहीं होना चाहिए. ऑलराइट. उसके बाद इंश्योर दैट द DGP ऑफ स्टेट पुलिस, या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी बोलते हैं, DIG अलग होता है, तो DG इज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ स्टेट पुलिस इज अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग द 3 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स. पहले 3 जो सबसे सीनियर होते उनको मिलना चाहिए. हु हैज बीन एम्पैनल्ड फॉर द प्रमोशन बाय द UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन द बेस ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस, गुड रिकॉर्ड एंड एक्सपीरियंस. 3 में से जिसका सबसे ज्यादा सर्विस है या उसका सबसे ज्यादा रिकॉर्ड अच्छा है, उसका गुड रिकॉर्ड एंड एक्सपीरियंस, तो उसको DG बनाना चाहिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. सेपरेट द इन्वेस्टिगेटिंग पावर फ्रॉम द लॉ एंड ऑर्डर पुलिस. तो टू एंश्योर स्पीडियर इन्वेस्टिगेशन, बेटर एक्सपर्टीज एंड इम्प्रूव्ड रैपो विद द पीपल. देखिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस में ही एक अलग टुकड़ी, अलग सा डिवीजन होना चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने अलग से टुकड़ा होना चाहिए. अभी क्या हो रहा है, पुलिस वाले ट्रैफिक में भी काम कर रहे हैं, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन में भी काम कर रहे हैं, पुलिस वाले बंदोबस्त में भी काम कर रहे हैं, पुलिस वाले जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनको भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं. क्या चल रहा है भाई? तो थोड़ा सा उसको डिमार्केट करिए. पुलिस का मेन रोल, प्राइमरी फंक्शन है इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना. ट्रैफिक, ये वो सारी चीज़ों के लिए आप अलग से सब डिविजन्स बना सकते हो, ठीक है, जिससे उनका फंक्शनिंग बेटर हो. कॉन्स्टिट्यूट अ नेशनल सिक्योरिटी कमीशन टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट एज चीफ्स ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस. ठीक है, NSC कॉन्स्टिट्यूट करिए, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन, जो शॉर्टलिस्ट करेगा कैंडिडेट्स. सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज जो होते हैं, जैसे कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स या रेलवे सिक्योरिटी फोर्स, उसमें उनके हेड भी IPS ऑफिसर ही होते हैं, लेकिन उनको अपॉइंट के लिए, अगेन अपॉइंट करने के लिए फिर से पॉलिटिशियंस आ जाते हैं. तो वो उस पॉलिटिशियन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम करने के लिए आप ऐसे नेशनल सिक्योरिटी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करिए, जो कि ऐसे अच्छे IPS ऑफिशियल्स को इनका हेड बनाएगी, इनकी चीफ बनाएगी. तो गाइज, ये था आज का वीडियो. तो आपको अच्छा लगेगा, आप लाइक करिए, शेयर करिए. कोई भी डाउट होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप डाउट्स पूछ सकते हैं. आई एम आदित्य केदारी, साइनिंग आउट. जय हिंद.